हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन IBPS PO ले लीजिए या IBPS क्लर्क ले लीजिए, प्रीलिम्स में ये 5 नंबर आते हैं। चाहे वो सिंप्लीफिकेशंस आए या अप्रॉक्सीमेशंस आए, लेकिन उसमें से 5 नंबर आते हैं। एंड इवन क्लर्क में कभी कभी ये 7-8 नंबर के भी आ जाते हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन की कुछ क्वेश्चंस। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था सिंप्लीफिकेशन का, जो थोड़ा सा बेसिक था, प्रीलिम्स लेवल का था, लेकिन थोड़ा सा बेसिक था। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस मत मॉडरेट नहीं कर सकता या टफ भी नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैसे करेंगे अगर आ जाता है तो, उसको आंसर को कैसे मार्क आप करेंगे कम टाइम में, उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन लेने का मकसद मेरा बस एक ही है, लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जैसा भी है, कि यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप उसमें से मार्क कैसे करेंगे आंसर को। देखिए, इस क्वेश्चन को तो मैं नो डाउट इसको सॉल्व मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर इसको मुझे सॉल्व करना पड़े तो इससे बेटर है मैं इसको स्किप करके किसी और क्वेश्चन में चला जाऊँगा जो मुझे इससे इजी लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठा तो बहुत मुझे टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ कर सकते हैं, या तो अगर इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपके हो सकते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको प्लस कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को प्लस कीजिए, एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है इसको आप स्किप कर दीजिए, और तीसरा एक और हो सकता है कि इसका आप कोई जुगाड़ लगा लीजिए कि इसमें से ये बन जाए। तो देखिए, एक तो ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन है जो आपको इसमें से मान के चलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखिए, जो यूनिट डिजिट्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, यानी कि 4323 5319। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ कि अगर मैंने 2 डिजिट लास्ट के निकाल लिए तो मैं एटलीस्ट 70% से 80% मैं श्योर हो जाऊंगा कि मेरा आंसर क्या है। तो चलिए इसको देखिए कैसे कर सकते हैं आप। सबसे आप पहले देखिए, इसको आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एट्स इसको इसको मल्टीप्लाई करना था आपको 8 4 6, इसको आप क्रॉस कर देंगे, देन सो ये हो गया आपका 88। मैं इसको कैसे लिखा मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। और इसका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए, और इसको आपको प्लस करना है, देन 9 5 14, सो दिस इज 43। लास्ट में मेरा 43 आ रहा है, तो 43 एक ही आंसर है, दैट इज ये। तो मैं होता क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो मैं इसको डेफिनेटली मार्क कर देता। अगर 43 43 इसमें अगर सभी जगह 43 होता तो मैं यहाँ पे एक डिजिट और निकालता। अब मैंने इसको कैसे निकाला ये मैं थोड़ा सा इलाबोरेट आपको कर देता हूँ। देखिए, जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, 8 6 जा 48 8 6 जा 48, देन आप 4 करते हैं, हाथ में आप 4 रखते हैं, देन इसको आप करते हैं 8 4 जा 32 32, और 4 6 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं आप, देन 6 2 जा 12। तो ये जो पार्ट है, फिर इसको आप आगे तक जाएंगे, इसको आप आगे तक जाएंगे, देन 8 को 1 से करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ। लेकिन हम लोगों ने पूरा नहीं किया, हम लोगों ने बस इसका लास्ट का 2 डिजिट निकाल लिया। इसी तरह से इसका भी लास्ट का 2 डिजिट निकाल लिया, मतलब पूरा नहीं किया, क्योंकि पूरा करने की अभी हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा है कि 204.43 204.43, तो इसमें तो हम लोग इजिली मार्क कर देंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये तीसरा डिजिट भी सब में सेम है, या भी 4 है, ये भी 4 है, तीसरा डिजिट भी सब में सेम है, आखिर का जो पहला तो 2 डिजिट है वो डिफरेंस है, तब आपको तीसरा डिजिट भी इसमें से निकालना पड़ जाएगा, जो कि आप इजिली इसमें से भी निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि 8 6 जा 48 और 4 हाथ में रखते हैं, 8 4 जा 32, 4 6 10 3, 8 1 जा 8 एंड 3, फिर इसको आप 1 मार्क कर देंगे। इस तरह से इसको आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 यूनिट डिजिट निकाल लिए लास्ट के,
एकदम यूनिट जो पहला वाला डिजिट है, वंस डिजिट एंड टेंथ डिजिट, ये दोनों निकाल लिए और उसको हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो हमको मिल गया 43। और इसको हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। जिनको भी ये समझ में नहीं आया, आप कमेंट में इंक्लूड कीजिए। इस तरह के जो स्पीड मैथ के सेशंस हैं, वो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको ओरली कर लीजिए। देखिए, ये हो जाएगा 14 1 14 1, देन 28 बचता है 2, 20 × 12 240, 240 माइनस 40 इज 200, 200 ये इधर जाएगा, 200 माइनस 110 इज 90। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी करने के आपको बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से आप इंटू कर लीजिए। ये तो इंटू बहुत ईजी है, ये क्या हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 240, 24 2, ये हो जाएगा, देन दिस इज 384। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23, ये कितने बार में जाएगा देख लीजिए, 23। सो 23 अगर आप करेंगे, ये आप 69 कर दीजिए, तीन बार में, तीन बार में आप इसको 69 कर दीजिए, एंड 9 है, सो 46, सो दैट इज 2, सो ये हो जाएगा 32। ऊपर है 352, नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 42 × 17, एंड इसको एज इट इज आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 102। सो ये तो अभी आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, एंड ये हो गया 17 2 जा, सो ये हो गया आपका 352/7। देन आप कर दीजिए इसको 35, 0, 50 पॉइंट समथिंग है, तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई आप ओरली भी कर सकते हैं, 240, देन 240 प्लस 24 × 6, 144, 240 384। इसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए, 23 से आप इसको डिवाइड कीजिए तीन बार में, फिर दो बार में, फिर इसको माइनस कर दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसमें से अभी आप जल्दी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपका, मैं आप फिर से लिख देता हूँ, 529 इक्वल्स टू 324/this। ये क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगर जब परफेक्ट स्क्वायर, ये जब होता है आपका, तो 529 × 324, तो ये जब हो जाएगा तो ये आपका रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो ये आपका रूट हो जाएगा। व्हाट इज 529, 529 इज 23, व्हाट इज 324 इज 18। अभी 24 क्या होता है, 576, व्हाट इज 26, 676। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट आप 60 तक का तो स्कोर याद रखिए। मैंने भी 60 तक किया था बहुत पहले, तो 60 तक तो याद आपको हो जाना चाहिए कि स्क्वायर इसके क्या क्या होते हैं। तो ये हो गया आपका 23 × 18, ठीक है, तो इसका देख लीजिए क्या हो गया, 230, 414। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, इस क्वेश्चन का पहले आप एक एक डिजिट निकाल लीजिए, क्योंकि नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा। देखिए, सबसे लास्ट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, क्योंकि तीसरा कोई 5 इसमें है नहीं, तो 5 मेरा आखिरी डिजिट आ गया। अब सेकंड डिजिट देखिए, सेकंड डिजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, देन 5, 5 5 10, हाथ में 1 है, देन देखिए पॉइंट के इस तरफ का डिजिट एक और बचता है, 1, देन 5 5 10, 5 15, और 1 बचा था, दैट इज 6.06। देन अभी इसके आगे का देखेंगे, दैट इज 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 आई थिंक 1 हमारा बचा हुआ था, आई थिंक 1 हमारा बचा हुआ था, तो दैट इज 21, आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 17, देन ये 5 बार में चला जाएगा, 19 जो है ये 5 बार में चला जाएगा, तो 5 5 25, और 25 और नीचे कितने बचते हैं, 1 2 3 4, ऊपर 10 बचते हैं,
और इसके जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 to the power 6, तो ये जो कटेंगे तो ये 10 to the power 2 बच जाएगा, तो 2500। सो फ्रेंड ये कुछ अभी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन अभी लिए, मैं और भी सिंप्लीफिकेशंस लूँगा। मैं आप उसमें कमेंट में लिखिए कि इसी तरह का सिंप्लीफिकेशंस लेना है या अभी और थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देंगे, तो आप इसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। जिस तरह से भी आप कहेंगे मैं उसी तरह के क्वेश्चंस इसमें ले लूँगा। फिलहाल मैंने अभी 6 क्वेश्चंस लिए हैं, आगे मैं अप्रॉक्स से क्वेश्चन डालूंगा, देन डीआई के क्वेश्चंस डालूंगा। क्वेश्चंस कम लेने का एक वजह यह है कि मैं चाह रहा था कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल पे भी देखते हैं एंड ट्रांसपोर्ट में भी देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इसको आप छोटा कर दीजिए, तो इसीलिए मैंने इसको कोशिश करा कि 9-10 मिनट के अंदर ये वीडियो समेट जाए। और मैं पहले बड़ा वीडियो बनाता था, लेकिन अभी मैं बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियोस के लिंक में डाल देता हूँ जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं, थंबनेल लिंक। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।